और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी पांच बाइक्स के बारे में जो 2021 में लेने लायक है। मतलब इनमें आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा और आपको बजट फ्रेंडली बाइक मिल जाएंगी। मतलब आपको कम कीमत में एक अच्छी बाइक देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये बाइक 150 टू 160 सीसी के सेगमेंट में रहेंगी। तो पहले नंबर पर आती है TVS अपाचे RTR 164V। तो दोस्तों, इस बाइक की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये दो वेरियंट्स में अवेलेबल होती है, पहला ड्रम और दूसरा डुअल डिस्क। ड्रम वेरिएंट का प्राइस है 1,07,000 एक्स शोरूम दिल्ली और डुअल डिस्क का प्राइस है 1,10,000 एक्स शोरूम दिल्ली। तो ये दो वेरिएंट्स में आपको बाइक अवेलेबल होगी। लुक्स की बात करें तो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लुक आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। ये आपको नेकेड में अवेलेबल होती है और नेकेड के हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया और मस्कुलर लुक इस बाइक में देखने को मिल जाता है। फ्रंट लुक्स की बात करें तो फ्रंट में आपको ऑल LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा ब्राइट है। आपको बढ़िया रोड विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स, इसमें आपको डिसेंट बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट देखने को मिलती है, जो कि अच्छी लंबी है और आपको अच्छा खासा कंफर्ट इस सीट में देखने को मिल जाएगा। राइडिंग पोस्चर की बात करें तो इसमें आपको स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर देखने को मिलेगा, तो आपको कोई भी हैंड पेन या शोल्डर पेन जैसी प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं आएगी। ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक में आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है और इसमें आपको पैटल डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और दोस्तों, पैटल डिस्क ब्रेक का जो हीट डिस्टिंग्यूशन होता है वो राउंड डिस्क ब्रेक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और एक नया फीचर इसमें ऐड किया है, वो है GTT, मतलब ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। ये वर्क ऐसे करती है कि अगर आप कहीं ट्रैफिक में हो तो आप बिना एक्सेलरेट किए अगर आप धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे तो आपकी बाइक एक कांस्टेंट स्पीड पर राइड करेगी। तो ये फीचर आपको मेनली हायर सेगमेंट की बाइक में देखने को मिलता था, लेकिन TVS ने 160cc की बाइक में इस फीचर को ऐड कर दिया है। दोस्तों, इंजन की बात करें तो इसमें आपको 159.7cc का सिंगल सिलेंडर FI एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसका मैक्स पावर है 16.02 BHP की और मैक्स टॉर्क है 14.12 Nm का। 5-speed गियरबॉक्स इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा। और माइलेज की बात करें तो 35 to 40 km/L तक का माइलेज आप इस बाइक से गेन कर सकते हो। और इसमें आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका बजट इतने तक है तो ये बाइक आपके लिए बढ़िया वैल्यू फॉर मनी बाइक रहने वाली है और 2021 में ये बाइक लेने लायक है, क्योंकि इसकी सेलिंग्स काफ़ी बढ़िया चल रही हैं और आगे भी इसकी सेलिंग्स मेरे हिसाब से चलती रहेंगी, क्योंकि लोगों को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। दूसरे नंबर पर आती है हीरो एक्सट्रीम 160R। दोस्तों, इस बाइक की प्राइस की बात करें तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला ड्रम और दूसरा डुअल डिस्क। ड्रम वेरिएंट का प्राइस है 1,03,000 एक्स शोरूम दिल्ली और डुअल डिस्क का प्राइस है 1,06,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दोस्तों, लुक्स की बात करें तो इस बाइक में आपको काफ़ी बढ़िया लुक देखने को मिल जाता है। डुअल टोन कलर्स में आपको ये बाइक देखने को मिलेगी, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और मस्कुलर लगती है। हालांकि इसके जो एक्सटेंशंस हैं वो आपको उतने शार्प देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ठीक है, आपको बढ़िया लुक मिल जाता है। दोस्तों, फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको ऑल LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा विजिबिलिटी आपको दे देते हैं। पीछे आपको LED टेल लाइट मिल जाती है और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस सेगमेंट की बाइक में आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहां तक कि 4V में भी आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड हजार्ड लाइट भी मिल जाएंगे, जिससे एक स्विच दबाकर आप चारों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक कर सकते हो। तो ये फीचर भी इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, बात करें सीट कंफर्ट की तो यूनिबॉडी सिंगल सीट इस बाइक में आपको देखने को मिलती है, जो कि अच्छी खासी कंफर्टेबल है और आपको बढ़िया स्पेस प्रोवाइड कर देती है। सिटिंग पोस्चर की बात करें तो इसमें भी आपको जो सिटिंग पोस्चर रहेगा वो अपराइट होने वाला है, तो आपको किसी भी तरीके का शोल्डर पेन या हैंड पेन नहीं होने वाला है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 163cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI इंजन, जिसका मैक्स पावर है 15.2 BHP की और मैक्स टॉर्क है 14 Nm का। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज ये कम से कम आपको 35 to 40 km/L तक का दे देगी। दोस्तों, ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें आपको डुअल डिस्क देखने को मिल जाएगा, जो कि पैटल डिस्क ब्रेक है, तो आपको काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग इस बाइक में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप ड्रम वेरिएंट लोगे या डुअल डिस्क वेरिएंट लोगे तो आपको दोनों में ही सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आज की डेट में सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड
हो चुका है। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका बजट 1,03,000 या 1,06,000 तक जाता है, ये तो एक्स शोरूम प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये बाइक आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैंने ये बाइक चलाई है तो उसमें आपको काफ़ी बढ़िया पावर भी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये बाइक आपको दे देगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट इतना है तो ये बाइक आपके लिए एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक रहने वाली है। तीसरे नंबर पर आती है यामाहा R15 वर्जन 3। दोस्तों इस बाइक में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसका प्राइस है 1,50,000 एक्स शोरूम दिल्ली। हालांकि कलर्स में भी वेरिएंट है तो वो आप अपने नियर बाय शोरूम से पता कर सकते हो। दोस्तों लुक्स की बात करें तो इस बाइक का लुक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब अगर कोई लुक्स अभी मार्केट में डिमांड पे चल रहा है फुल फेयर्ड में, तो यामाहा R15 वर्जन 3 का नाम आपको पहले नंबर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि 150cc सेगमेंट में आपको इसमें इतना ज़बरदस्त लुक मिल जाता है कि आप देख कर ही इसको पसंद कर लोगे। फुल फेयर्ड में आपको काफ़ी एरोडायनेमिकली डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिल जाता है और स्पेशली मुझे भी इस बाइक का लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दोस्तों फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। हालांकि एक बात मैं कहूँगा कि इसकी जो LED हेडलाइट्स की विजिबिलिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। रात में आपको इसकी जो विजिबिलिटी है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है उतनी प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली है। पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो पहला इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। दूसरा इसमें आपको यामाहा की VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन। और तीसरा इसमें आपको स्लीपर क्लच देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्लीपर क्लच वर्क ऐसे करता है कि अगर आप बाइक को राइड कर रहे हो और एकदम से टर्निंग आ जाती है तो आप बिना क्लच दबाए गियर को डाउन करोगे तो जो झटका महसूस होता है वो आपको इसमें महसूस नहीं होगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, हालांकि जो पिलियन सीट है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। और राइडिंग पोस्चर की बात करें तो राइडिंग पोस्चर भी इसका एग्रेसिव है, तो अगर आप 50 से 100 किलोमीटर की राइड करोगे तो आपका शोल्डर पेन और हैंड पेन डेफिनेटली होगा। दोस्तों इंजन की बात करें तो इसमें आपको 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसका मैक्स पावर है 18.6 bhp और मैक्स टॉर्क है 14.1 न्यूटन मीटर का। 6 स्पीड गियरबॉक्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज इस बाइक से आप काफ़ी बढ़िया गेन कर सकते हो। अराउंड 45-50 kmpl तक का माइलेज आप इस बाइक से आराम से गेन कर सकते हो। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आपको माइलेज पता करना है तो आप माइलेज भी पता कर सकते हो। गियर इंडिकेटर भी इसमें आपको मिल जाता है, मतलब आपको सारे फीचर्स इस बाइक में देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें टायर्स की तो सामने आपको 100 Section 80 का टायर मिलता है और पीछे आपको 140 Section 70 का टायर मिलता है। हालांकि 150cc के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,50,000, तो ये ऑन रोड तकरीबन आपको 1,84,000 या 90 तक की पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर बात करें फीचर्स और परफॉर्मेंस को लेकर तो आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स इस बाइक से देखने को मिलेंगे। हालांकि आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप यामाहा R15 वर्जन 3 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। नंबर 4 पर आती है बजाज पल्सर NS160। दोस्तों इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जिसका प्राइस है 1,10,000 एक्स शोरूम दिल्ली, मतलब डुअल डिस्क वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। लुक्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लुक आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं अपने ओपिनियन से कहूँ तो मुझे अब इस बाइक का लुक उतना पसंद नहीं आता। मतलब काफ़ी टाइम से बजाज इसी लुक्स को घसीट रही है और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस करके बाइक को लॉन्च कर देती है। हालांकि ये जो नई थीम बजाज ने लाया है मैट कलर्स की, वो काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको काफ़ी स्टाइलिश फिनिश वाला कलर इसमें देखने को मिलता है, लेकिन ये जो व्हील का कलर है ना वाइट, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया है। अलॉय व्हील्स को ब्लैक ही रहने देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ठीक है लोग फिर भी इस बाइक को ले रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 160 में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, जिसका नाइट विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, और नीचे आपको पायलट लैंप्स मिल जाएंगे। वहीं पीछे आपको LED टेल लाइट मिलेगी और इंडिकेटर्स इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, तो आप दो लोग आराम से राइड कर लोगे। अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको कोई उतने खास फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। सिंगल चैनल ABS इस बाइक में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको पैटल डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं और पीछे आपको एक RLP सेंसर मिलता है, मतलब रेयर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर बजाज ने इस बाइक पर ऐड किया है। तो दोस्तों अगर आपका बजट इतने तक है
और आप एक नेकेड बाइक ही लेना चाहते हो जिसमें आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए और कम प्राइस में आपको काफ़ी बढ़िया माइलेज भी मिल जाए, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए और आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाए, तो बजाज पल्सर NS160 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 5 पर आती है यामाहा MT15। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो इसका प्राइस है 1,39,000 एक्स शोरूम दिल्ली और ये आपको एक ही वेरिएंट में अवेलेबल होती है। दोस्तों इस बाइक को ना काफ़ी सारे लोगों ने अंडररेटेड रखा है, मतलब लोग ज़्यादातर अपाचे और NS की तरफ ही गए हैं लेकिन इस बाइक को काफ़ी सारे लोगों ने इग्नोर किया है, जबकि ये बाइक इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है। मतलब 150cc सेगमेंट में ये आपको इतने अच्छे फीचर्स और लुक ऑफर करती है जो आपको और दूसरी बाइक बिल्कुल नहीं कर पाती है, लेकिन कुछ प्राइस ज़्यादा होने के कारण लोग इस बाइक को नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों लुक्स इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मतलब इतना बढ़िया स्ट्रीट फाइटर लुक आपको इस बाइक में देखने को मिलता है जो कि मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। सामने आपको कॉर्नर्स पर LED DRLs मिल जाते हैं और सेंटर में आपको प्रोजेक्टर बल्ब देखने को मिलता है, तो एकदम डेविल टाइप फेस आपको इसमें देखने को मिलता है। वहीं पीछे आपको स्मॉल LED टेललाइट मिल जाती है और इंडिकेटर्स, इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती है, हालांकि सीट इसमें आपको छोटी देखने को मिलती है लेकिन दो लोग आप आराम से बैठकर राइड कर सकते हो और राइडिंग पोस्चर भी इस बाइक का एकदम बढ़िया है। दोस्तों बात करें फीचर्स की तो ये बाइक भी आपको ऑफर करती है VVA टेक्नोलॉजी, मतलब वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन, और स्लीपर क्लच भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है लेकिन सिंगल चैनल ABS इस बाइक में देखने को आपको मिलने वाला है। इंजन की बात करें तो सेम यामाहा R15 वाला इंजन इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसको मास्टर ऑफ टॉर्क कहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों V3 से भी आपको थोड़ा कम टॉर्क इस बाइक में देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मास्टर ऑफ टॉर्क बोला है तो इसमें आपको V3 से तो थोड़ा ज़्यादा ही टॉर्क देना चाहिए था। फ्रंट में आपको 100 Section 80 का टायर मिल जाता है और पीछे आपको 140 Section का टायर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इस बाइक की तरफ जाओ, मतलब आपको ना काफ़ी बढ़िया लुक ये बाइक ऑफर करती है और काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको ये बाइक ऑफर करती है और काफ़ी बढ़िया पेंट जॉब के साथ ये बाइक आती है। माइलेज की बात करें तो ये आपको आराम से 40 से 45 तक का माइलेज दे देगी जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है इंडियन रोड्स के हिसाब। तो आपका बजट अगर इतने तक है तो आप बिल्कुल MT15 की तरफ जाओ, ये आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोज़।